मोस्ट वेलकम है दोस्तों इस एक नई वीडियो के अंदर। सुबह से क्या चेंज हुआ है मार्केट के अंदर और मीम कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है, ट्विटर पे शिबा इनू कॉइन की और मार्केट के रिलेटिव क्या अपडेट है, पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है वीडियो के साथ, एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों मार्केट कैप की, तो यहाँ पे 2.21% इंक्रीज़ हुआ है, 2.55 ट्रिलियन हो चुका है मार्केट कैप। और फियर एंड ग्रीड दोस्तों लगभग 80 पर पहुंच चुका है फियर एंड ग्रीड मीटर। और वहीं पे दोस्तों बात की जाए बिटकॉइन की, तो बिल्कुल 67,000 के बिल्कुल पास प्राइस चलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, 3% के आसपास यहाँ पे बूस्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि अब मार्केट गिरेगी या ऊपर बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो चांसेज हैं अब ग्रीन सिग्नल की तरफ हो चुके हैं, मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेज हैं। जब तक 69 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तब तक एक बुल रन स्टार्ट नहीं होगा, वहाँ से फिर एक मार्केट अच्छा मूव अपने को दिखा सकती है। लेकिन धीरे धीरे मार्केट अगर कहें तो ऊपर की तरफ ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है सुबह ही अपने को 68 या 69 के लेवल देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर, अगर कोई नेगेटिविटी या कोई सेलिंग प्रेशर या नेगेटिव कोई न्यूज ना आई तो। अब चलते हैं दोस्तों बाकी कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है वो भी जान लीजिए। शिबा इनू कॉइन, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सुबह थोड़ा ग्रीन सिग्नल था लेकिन इतना ज़्यादा अभी ग्रीन नहीं देखने को मिल रहा है, 3 से 4% ही पंप देखने को मिल रहा है। 27 की सीरीज है, कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कह सकते हैं मोमेंटम। और वहीं पे फ्लोकी इनू कॉइन 23 की सीरीज थोड़ा रेड सिग्नल दे रहा है, 0.64% डाउन है, 9% ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन है, ग्राफ भी थोड़ा नीचे की तरफ गया हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है तो कहीं ना कहीं ये करेक्शन तो नॉर्मल है, आता रहेगा फिर रिकवर भी होगा। बेबी डोज कॉइन दोस्तों 24 की सीरीज है, 16% ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ग्राफ पूरे का पूरा थोड़ा नीचे जाता हुआ इसका भी नज़र आ रहा है। और पेपे इनू कॉइन, यहाँ ग्रीनरी है दोस्तों, ये कॉइन सबका चहिंदा कॉइन बनता जा रहा है, 5% के आसपास बूस्ट दिखाई दे रहा है, 77 की सीरीज है, 28% ट्रेडिंग वॉल्यूम, आप भी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अच्छी खासी इसकी आप हो चुकी है। और ग्राफ की बात करें, ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ गया था लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हो पा रहा, थोड़ा दबाव भी बनता हुआ इसके अंदर ग्राफ के अंदर नज़र आ रहा है। तो अब चलते हैं दोस्तों ट्विटर पे जल्दी जल्दी, वो भी जान लीजिए कि क्या वहाँ पे अनाउंसमेंट निकल के सामने आई। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई सपोर्ट कीजिए, करो सब्सक्राइब और लाइक ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आए ऐसी, और आप टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें मार्केट के रिलेटिव, उससे पहले शिबा इनू कॉइन की क्या जानकारी है, तो सबसे पहले दोस्तों वेल्स ने यहाँ पे बड़ी बाइंग की है शिबा इनू अंदर के, 551 बिलियन शिबा इनू कॉइन यहाँ पे वेल्स द्वारा बाय किए गए हैं, 1100% जो वेल्स की एंट्री है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है शिबा इनू कॉइन के अंदर। और वहीं पे दोस्तों दूसरा जो ट्वीट निकल के सामने आया, शिबेरियम ATH ये बड़ी कह सकते हो सरपास कर चुकी है, 3.5 मिलियन ट्रांजेक्शन को पास करते हुए शिबेरियम यहाँ पे नजर आ रही है। और अगला ट्वीट है दोस्तों जो बर्निंग हुई है 24 आवर्स के अंदर शिबा इनू कॉइन की, 2,32,00,000 से भी ज़्यादा शिबा इनू कॉइन यहाँ पे बर्न कर दिए गए हैं शिबा आर्मी के द्वारा। और अगला ट्वीट है दोस्तों वो भी बता देंगे आपको क्या चल रहा है, तो अगला ट्वीट शानदार निकल के यहाँ पे सामने आया दोस्तों यू टुडे की तरफ से, यहाँ पे वेल्स ने एक और एंट्री यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के अंदर बनाई है, 13 हॉर्स पहले लगभग 0.5 ट्रिलियन शिबा इनू यहाँ पे वेल्स द्वारा बाय किए गए हैं। तो ये भी ये थी दोस्तों शिबा इनू कॉइन की अपडेट्स, क्योंकि वेल्स अगर एंट्री बना रही है तो कहीं ना कहीं समझ जाइए कि प्राइज के अंदर जल्द आपको एक बड़ा चेंज यहाँ पे देखने के मिलने के चांसेज नज़र आ रहे हैं। और बाकी मीम कॉइन्स के अंदर भी दोस्तों काफ़ी दिलचस्पी है, जैसा कि डोज कॉइन और पेपे कॉइन, इनके अंदर भी वेल्स की एंट्री काफ़ी देखी गई है, तो कहीं ना कहीं ये कॉइन भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों बेबी डोज की अगर बात करें, बाइनेंस के रिलेटिव भी बात में ट्वीट निकल के सामने आ रहे हैं कि जल्द बेबी डोज भी अपने को बाइनेंस पे लिस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फ्लोकी इनू कॉइन नंबर सबसे पहला ले चुका है, बाइनेंस पे लिस्ट बहुत टाइम पहले हो चुका था। तो यहाँ पे बिटकॉइन हिट 67,000, बुल आर बैक, तो यहाँ पे बुल रन दोस्तों जो है वो यहाँ पे बैक आता हुआ नज़र आता हुआ दोबारा से दिख जाएगा जैसे ये 69 के लेवल को क्रॉस करेगा, जो कि अहम लेवल है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन के अंदर अंदर चेंज ऐसा देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन इज नॉट गोइंग टू 0, इट्स गोइंग टू $1 मिलियंस। ये बात दोस्तों लाइव CNBC चैनल पे कही गई थी मिचलन सेलोर द्वारा, तो 42,000 उस टाइम प्राइस चल रहा था भाई, देख लीजिए उन्होंने उस टाइम अनाउंस कर दिया था कि घबराने की जरूरत नहीं, 0 नहीं होने वाला ही, और आपके सामने है लगभग वहाँ से कितना ऊपर आ चुका है प्राइज अगर आज के टाइम में यहाँ पे बात की जाए। और वहीं पे दोस्तों अगला ट्वीट है,
लगभग ये ट्वीट मैंने सुबह वाली वीडियो में भी कवर किए थे, जो नए लोग हैं वो दोबारा सुन लें और जो पुराने हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से यूएसए प्रेसिडेंट कैंडिडेट आर एफ के जेरी, इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी इज द बेस्ट हेडज अंगेंस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अंगेंस्ट इसको यूज किया जा सकता है और इसके अच्छे इसका अच्छा खासा फ़ायदा भी यहाँ पे उठाया जाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ऐसा दोस्तों यहाँ पे कहा है। तो ये थी दोस्तों अपडेट आज की और शाम की, सुबह जल्दी मॉर्निंग में मिलेंगे भाई वही 7:30 बजे वाली वीडियो के अंदर, देखेंगे सुबह तक क्या अपडेट्स निकल के आती है क्रिप्टो करेंसी में। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।